और उसको किस तरह भाजपा वाले लोग ने याचिका दायर करके किस तरह रोका गया, हम लोग उनके काले सच को उजागर करने में लगे और हमारे रहते हमारे नेता के रहते ये जो आरक्षण है समाप्त नहीं होगा। बीजेपी के काले सच को और उसका कुटिल चाल को बिहार की जनता ही नहीं देश की जनता जान चुकी है और उनका खेल खत्म हो गया है और वो 24 में वो उनको समझ में आ जाएगी। जो बीजेपी का आरक्षण विरोधी चेहरा है उसको बेनकाब करने के लिए, उसको उजागर करने के लिए बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नेता सभी लोग धरना पर बैठे हैं आज, और हम लोग जो है उसके काले सच को, उसके द्वारा जो केंद्र सरकार में जो महंगाई बेरोजगारी पर उसके गलत नीति के कारण जो बेरोजगारी है और महंगाई चरम पर है, सारे बिंदु को लेकर हम लोग धरना पर बैठे हैं। भाजपा तो सीधा कह रही है आप लोग आरक्षण विरोधी है, क्योंकि जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव में सीधा आप लोग ऊपर हमला कर रहे हैं। देखिए 2006 में और 2007 में पंचायती राज नियम, हाँ 2006 में पंचायती राज नियम नियमावली में प्रावधान लाकर और 2007 में नगर निकाय के नियमावली में प्रावधान लाकर हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने दलित अनुसूचित जाति अति पिछड़ा पिछड़ा को लिए और जो महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया और पंचायती राज को सशक्त और प्रभावशाली बनाने के लिए और उस पर तीन तीन चुनाव हो गया और उसको किस तरह भाजपा वाले लोग ने याचिका दायर करके किस तरह रोका गया ये देख लीजिए। ये तो काले सच उनके उजागर हो रहा है, कैसे है ये सब चीज आप लोग को समझने की जरूरत है। हम लोग उनके काले सच को उजागर करने में लगे। परिवारवाद में आप लोग फंस चुके हैं, सीधे कह रहे हैं कि परिवारवाद में आप लोग फंस चुके हैं। देखिए हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ समावेशिक विकास का नींव यहाँ रखी और उसके लेकर जो है हम चारों तरफ चौमुखी विकास किए हैं। हमारे नेता जो है अति पिछड़ा पिछड़ा सभी समाज के वर्गों को लेकर प्रतिबद्ध हैं उनके आरक्षण के लेकर कि सभी लोग को जो मुख्य धारा जो पिछड़ा है उसको मुख्य धारा में जोड़ने का और हमारे रहते हमारे नेता के रहते ये जो आरक्षण है समाप्त नहीं होगा। बीजेपी के काले सच को और उसका कुटिल चाल को बिहार की जनता ही नहीं देश की जनता जान चुकी है और उनका खेल खत्म हो गया है और वो 24 में वो उनको समझ में आ जाएगी। सत्ता जनता दल अपनी खोल रही है। अरे सम्राट चौधरी जी क्या बोलेंगे, अमर्यादी लोग हैं, उनके बातों को हम लोग उनके बयानों को हम लोग नहीं लेते, नोटिस नहीं लेते हैं। सतनी चौधरी के दम पे मुख्यमंत्री बनने की बात भी कहे हैं नीतीश कुमार को, सतनी चौधरी के दम पे मुख्यमंत्री। अरे आप देख रहे हैं बिहार की जनता ही 2005 से लगातार उनमें आस्था व्यक्त करते हुए उनके नीति सिद्धांत हमारे नेता के नीति सिद्धांत में विश्वास व्यक्त करते हुए जनादेश दिया है यहाँ। चलिए अब होने दीजिए कार्यक्रम। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।